दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे पेपर बैग बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग पर बैन लगा दिया है, जो वातावरण में रहने वाले जीव, चाहे वो मनुष्य हों या जानवर हों, सबके लिए जो है ये प्लास्टिक के पॉलीथीन हैं, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इस तरह से सरकार भी पेपर बैग बिजनेस के बारे में बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में पेपर बैग का जो व्यवसाय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आज हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों पेपर बैग का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको अपने स्थानीय नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और इसके साथ साथ उद्योग आधार नंबर भी लेना होगा। इसके बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप MSME के माध्यम से सरकार की स्कीम के तहत खादी ग्रामोद्योग विभाग से लोन भी ले सकते हैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इसमें कौन सी मशीन यूज होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसमें जो मशीन प्रयोग में लाया जाएगा वो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जा करके अलग अलग कीमत की मशीनें देख सकते हैं और वहां से आप ऑर्डर दे करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों जो मशीनें हैं वो 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक की ऑटोमेटिक मशीनें अलग अलग कीमत में आपको मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं जो इसकी प्राइस है वो मेनली डिपेंड करता है इसकी मोटर स्पीड पर। असल में जो इसकी मोटर स्पीड होती है, अगर आप प्राइस इसमें ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी जो मोटर स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और जो उसका प्रोडक्शन की उसकी जो प्रोडक्शन की क्षमता होगी वो अधिक होगी। अगर आप सस्ती मशीन ले रहे हैं तो उसकी मोटर स्पीड कम होगी, तो उसका जो प्रभाव सीधे पड़ेगा उसके प्रोडक्शन पर पड़ेगा, यानी उसका प्रोडक्शन कम होगा। तो आप अलग अलग प्रकार की मशीनें देख करके वहां से आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसमें पहला है पेपर रोल, दूसरा है प्रिंटिंग इंक फॉर प्रिंटिंग ऑफ डिजाइन एंड लोगोज, जो डिजाइन होंगे लोगो होंगे उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग इंक की आवश्यकता होगी, गम यानी गोंद, और जो स्ट्रिंग होते हैं जिसे हाथ में पकड़ के चला जाता है बैग को, वो स्ट्रिंग, तो इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों बात आती है कि आप इसे बेचेंगे कहां पर, तो आप इसे शॉपिंग मॉल में बेच सकते हैं, स्टेशनरी शॉप पर बेच सकते हैं, ग्रॉसरी शॉप पर बेच सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप पर बेच सकते हैं, मेडिकल शॉप पर बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो मैंने आपको बताया है शॉपिंग मॉल, स्टेशनरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, मेडिकल शॉप, इन सब दुकानों पर जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, तो आप वहाँ पर संपर्क करके सीधा आप वहाँ पर अपने माल को दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो स्थान का चुनाव करना होगा वो बहुत ही अच्छा स्थान होना चाहिए, जहाँ पर मार्केट होना हो या जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हों, तो वहाँ पर जो है आपको इसे खोलना होगा। और एक चीज़ और विशेष आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर होनी चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो मशीन है, अलग अलग मशीनें जो होती हैं, इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता होती है वो क्या है और कितने कीमत में ये मशीन जो है मिलेगी। तो दोस्तों जो ऑटोमेटिक विदाउट प्रिंटिंग मशीन है, यानी इसमें जो प्रिंटिंग होगा वो साथ में नहीं होगा, ऑटोमेटिक विदाउट प्रिंटिंग मशीन है, इसकी कीमत लगभग है 5 लाख रुपये। और दोस्तों ये 120 पीस 1 मिनट में निकालती है।
दूसरी मशीन है जो वो है ऑटोमेटिक विद टू कलर प्रिंटिंग, यानी दो कलर साथ में प्रिंट करेगी वो मशीन, और उसकी कीमत है लगभग 6.5 लाख रुपए, और वो भी 120 पर पीस एक मिनट में निकालेगी, यानी 120 पीस पर मिनट में निकालेगी। दोस्तों आपको इस मशीन में सभी चीजों को लोड कर देना होता है, इसके बाद आप आराम से बैठ करके मशीन की देखभाल करते रहना है और आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। दोस्तों जब आपका बैग बनकर के तैयार हो जाएगा, इसके बाद आपको अपने साइज के हिसाब से कटिंग करनी होगी, इसके बाद में फिर प्रेसिंग मशीन से किनारों को प्रेस करना होगा, इसके बाद प्रिंटर्स की मदद से इस पर प्रिंटिंग करनी होगी, इसके बाद में आपके पास जो स्ट्रिंग्स होंगी उसे होल में मशीन के द्वारा अटैच करना होगा, फिर आपका बैग जो है वो बिक्री के लिए बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों एक बैग आपका जो तैयार करने में लगभग पैसा लगेगा वो लगेगा 3.5 रुपए, यानी 3.50 रुपए के आसपास एक बैग तैयार करने में आपका जो है खर्चा आएगा रॉ मटेरियल से। इसके बाद आप अपने हिसाब से बैग्स के दामों को कुछ बढ़ा करके और आराम से आप जो है इसे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, इसमें जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे ज़्यादा लोग ये देख सकें, और हमारे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक और बिजनेस आइडिया के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।